हेलो गाइस, गाइस हम देखते हैं थ्योरम 6.7। ठीक है, थ्योरम 6.7 क्या कहती है गाइस? क्या देखो, सबसे पहले मैं गाइस इसकी ना आपको मैं बताता हूँ कि फिगर कैसे बनेगी। ठीक है, उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना थ्योरम 6.7, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या कह रही है। देखो, थ्योरम 6.7 क्या कह रही है, जैसे कह रही है कि ये कोई राइट ट्रैंगल है। यहाँ बना देता हूँ, जैसे ये कोई राइट ट्रैंगल है। ठीक है, ये कोई राइट ट्रैंगल है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूस है ना, देखो आप सबको ये तो पता है ना कि ये हाइपोटेन्यूस होगी ए सी। ये ए बी सी राइट ट्रैंगल है, तो ये ए सी हाइपोटेन्यूस होगी। सबको पता है हाइपोटेन्यूस कौन सी होती है, जो राइट ट्रैंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है। ठीक है, जो राइट राइट एंगल से जो लग नहीं रही होती। ठीक है, ये वाली साइड भी राइट एंगल से लग रही है, ये वाली भी साइड राइट एंगल से लग रही है, ये वाली नहीं लग रही, तो ये हाइपोटेन्यूस है। अब देखो गाइस, ये हाइपोटेन्यूस है, तो अब ये क्या कहती है थ्योरम 6.7 कि अगर हम हाइपोटेन्यूस पे इस वाले एंगल से यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाए। ठीक है, यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर बनाया हाइपोटेन्यूस पे। ठीक है, इस वाले एंगल से यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया, तो इस परपेंडिकुलर से पता क्या होता है, इससे होता है कि जो अब देखो ये तीन ट्रायंगल बन गए, एक तो ये बन गया, एक तो ये ट्रायंगल बन गया, और एक ये वाला ट्रायंगल बन गया बड़ा। ठीक है, टोटल थ्री ट्रायंगल है इसमें। तो ये तीनों जो ट्रायंगल है ना, ये एक दूसरे के सिमिलर है। जैसे ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर, इसको नाम देते हैं डी जैसे। ठीक है, ये ए बी डी ट्रायंगल बी डी सी ट्रायंगल के सिमिलर। ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर, बड़े वाले के सिमिलर। ऐसे ही बी डी सी छोटा वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये भी बड़े वाले के सिमिलर। ठीक है, जितने भी ट्रायंगल है ना, इसमें तीन ट्रायंगल है, तीन ट्रायंगल एक दूसरे के सारे सिमिलर, एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, छोटे वाला इस वाले के सिमिलर, ये वाला इस वाले के सिमिलर, ये वाला बड़े वाले के भी सिमिलर, ये वाला भी बड़े वाले के सिमिलर। ठीक है, तो अब देखो, अब थ्योरम 6.7 पढ़ो क्या कह रही है। कह रही है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, इस वाले वर्टेक्स से हमने हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर खींचा, वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्रायंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कह रहा टू द हाइपोटेन्यूस, देन ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर बनाया ना, कह रहे इसके जो दोनों तरफ राइट ट्रायंगल है ना, वो दोनों सिमिलर है। ठीक है, टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। ठीक है, टू द होल ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के मतलब, और ईच अदर के भी सिमिलर है। ठीक है, बस ये कह रही थी थ्योरम 6.7, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब जो थ्योरम में हमारे को कह रहा है कि वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स, ये नहीं कह रहा कि किसी भी वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर बनाओ। ठीक है, इस वाले देखो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बन सकता है इस पे हमने हमें ऐसे करके कोई परपेंडिकुलर बनेगा। देखो ये कोई परपेंडिकुलर होगा, इस वाले वर्टेक्स से बन ही नहीं सकता ना, इस वाले वर्टेक्स से ऐसे परपेंडिकुलर बन सकता है, सिर्फ इसी वाले वर्टेक्स से बन सकता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसी वाले वर्टेक्स से बनाया। ठीक है, तो बस हमारा यही है 6.7 थ्योरम। बस अब हमें यही याद रखनी है कि जो जब भी हम यहाँ इस वाले वर्टेक्स से यहाँ परपेंडिकुलर बनाते हैं ना, तो सारे ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना इसमें। ठीक है, इसका प्रूफ है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, ना पेपर में आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं थ्योरम 6.8। अब देखो 6.8 थ्योरम क्या कह रही है हमारी, कह रही है इन अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, कोई एक राइट ट्रायंगल है, उसमें कह रही है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम नहीं थी, जो हम नाइन्थ नाइन्थ में भी पढ़ते थे, एट्थ में भी पढ़ी होगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, इन अ राइट ट्रायंगल। जैसे हमने कोई राइट ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये हमने कोई राइट ट्रायंगल बना दिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी। ठीक है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस मतलब ए सी का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली थ्योरम ये कहती है बस, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो प्रूफ दिया हुआ हमें 6.8 थ्योरम में। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो मैंने कहा ये कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमने राइट ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे टू प्रूफ लिखेंगे, टू प्रूफ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने सोचा ये कैसे करेंगे। ठीक है, अब इस वाली थ्योरम में हमें, पाइथागोरस थ्योरम में हमें याद रखना है, जब भी ये थ्योरम आएगी तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कौन सी कंस्ट्रक्शन, इस वाले एंगल से यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बना दिया, इसको नाम दे दिया हम, इसको नाम दे देते हैं डी। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करिए, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। बस हमने ये कंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। अब हम क्या कहेंगे, जब मैंने आपको उसी थ्योरम 6.7 में बताया था, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें याद रखना है पता है क्या, कि देखो इस वाली थ्योरम को करने का तरीका है कि पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ए बी डी और ए बी सी, ठीक है। पहले ये वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, दोनों को सिमिलर लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, क्यों यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम 6.7, ठीक है। अब ये नहीं लिखेंगे कि बाय थ्योरम 6.7, ऐसे नहीं लिखेंगे, वो वाली थ्योरम लिखेंगे पूरी, ठीक है। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज द ट्रायंगल ऑन द बोथ साइड्स आर सिमिलर, मतलब वो वाली पूरी थ्योरम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरी की पूरी थ्योरम लिखेंगे, थ्योरम 6.7, ठीक है। ये नहीं कि पूरी लर्न करनी है उसे, मतलब जो जो याद आता है ना वो चीज़ लिख देते हैं हम, ठीक है, पूरी थ्योरम नहीं लिखते, ठीक है, जो जो चीज़ मेन मेन लगती है ना बस वो लिख देते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बाय थ्योरम 6.7, ए बी डी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब ऐसे ही अब ये देखो पहले मैंने इतना कर दिया, ठीक है। इससे मेरे को क्या पता लगता है कि मेरा, हमने सिमिलरिटी में पढ़ा था कि देखो ए बी बाय ये ना हमारा ए, ये ए डी बी होगा, ठीक है, ये ए डी बी ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल ए बी सी होगा। मैं आपको ये ना आपको मैं एंड में बताऊंगा कि ये ए डी बी क्यों लिखा मैंने, ठीक है, ए बी डी क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ए डी बी क्यों लिखा है, ठीक है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। अभी सबसे पहले ये आप लिखोगी, अभी अभी ये समझो कि ये वाला ट्रायंगल बस मैंने लिखा है ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी लिखा, ठीक है, छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर टू बड़े वाला ट्रायंगल, ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब जब ये दोनों सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये इनकी रेशो भी सेम है, ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू डी बी बाई बी सी इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मेरा छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ नाउ, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे बी डी सी, ठीक है, अब ट्रायंगल बी डी सी ले लेंगे, ठीक है, बी ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर लिख देंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर लिखा, फिर अब ये नीचे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर लिखूंगा, ठीक है, ऐसे ही थ्योरम ये प्रूव होगी। अब छोटे वाला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो इसके भी आगे हम ये लिखेंगे बाय थ्योरम 6.7, ठीक है, थ्योरम 6.7, यहाँ पे 6.7 थ्योरम पूरी लिखनी है, ठीक है, पूरी चाहे मेन मेन पॉइंट्स लिख दो पर लिखनी जरूर है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब इसकी जब ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है तो मैं इससे ये लिख सकता हूँ बी डी बाई ए बी, बी डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू डी सी बाई बी सी, ठीक है, डी सी बाई बी सी, डी सी बाई बी सी इज इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, ठीक है। अब देखो मेन चीज़ हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। अब मैंने सोचा कि मेरे को ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन बनाऊँ कि ना मेरा कुछ स्क्वेयर में आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, कुछ स्क्वेयर्स आए, यहाँ पे तो कुछ मेरे स्क्वेयर्स नहीं आ रहे, तो मैंने कहा स्क्वेयर्स कैसे आएंगे। मैंने कहा देखो ये ए डी है, ये ए बी है, मैंने कहा ये डी बी है, बी सी, इसमें कुछ इन दोनों में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ये ए डी है, ये डी बी है, बी सी है, ये ए बी है, तो मैंने कहा अभी अगले पे आता हूँ, मैंने कहा ये ए बी है, ये ए सी, ए बी से ये ए बी मिल रहा है, ठीक है, तो ये बीच वाला मैं काट दूंगा, ठीक है, ये बीच वाले को मैं लिखूंगा ही नहीं, ठीक है, तो मेरा क्या होगा ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ठीक है, ये हो गया मेरा। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी इंटू में ए डी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी, ठीक है, इससे ये आ गया, ठीक है, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ठीक है, ये वाला स्टेप मैंने लिखा नहीं क्योंकि हमें जब पूरे स्टेप्स नहीं लिखने होते,
जरूरी नहीं है ये हमें हर टीचर को पता है कि डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इन टू बी आई डी, एक तो हमारी क्वेश्चन ही आ गया। मैंने कहा देखो कुछ तो स्क्वायर में आ गया मेरा, मुझे कुछ स्क्वायर में चाहिए था, मेरा कुछ स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें लगाऊंगा मैं। अब मैं इसमें सोचा, मैंने कहा ये बी डी है ये ए बी है, मैंने कहा डी सी है बी सी है, मैंने कहा इसमें इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा, मैंने कहा ये बी सी और ए सी है, मैंने कहा बी सी और बी सी ये मिल रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसको वाले को काट दूंगा मैं, ठीक है। इसको कुछ लिखूंगा नहीं, इसका मेरा यूज़ ही नहीं है तो मैं क्यों लिखूँ इसको, ठीक है। तो मेरा इसी का यूज़ हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो बी सी इंटू बी सी, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी, ठीक है। अब क्वेश्चन ख़त्म होने जा रहा है बिल्कुल ये, ठीक है। अब देखो इसको भी, इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट, इसको नाम दे देता हूँ सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन अब लिखेंगे ऐड, अब इन दोनों इक्वेशन को बस ऐड करूँगा आंसर आ गया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी इंटू ए सी, ठीक है। एल एच एस वाली साइड एल एच एस के प्लस होएगी, आर एच एस वाली साइड आर एच एस से प्लस होएगी, ठीक है, डी सी इंटू में ए सी, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, अब देखो मैंने मैंने सोचा कि मेरे को ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यहाँ लाना था, ठीक है, ये तो आ गया मेरा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मैंने कहा किसी तरह ए सी का स्क्वायर और आ जाए, ठीक है, ये ए सी का स्क्वायर, मैंने कहा ये देखता हूँ कैसे आएगा, ठीक है। और मैंने कहा ये ए सी और अब इसको प्लस करना है, तो मैंने कहा ये इधर भी ए सी है इधर भी ए सी है, तो ए सी कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, ठीक है। तो बच्चा क्या ए डी प्लस डी सी, ठीक है। देखो इस वाली इसमें इसमें देखो इसमें भी ए सी है इसमें भी ए सी है, ठीक है, तो ए सी ए सी मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। तो बच्चा क्या ए डी इस वाली इसमें ए डी बचा इसमें डी सी बचा, ठीक है, तो इतना आ गया मेरा। अब मैंने असली में सोचा ये देखो ये ए डी प्लस डी सी आया मेरा, ए डी प्लस डी सी असली में देखो क्या है, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी असली में क्या है ए सी पूरा, ठीक है। ये देखो ये ए डी है ये डी सी है, ए डी ए डी प्लस डी सी क्या हो जाएगा पूरा ए सी, तो मैं ए डी प्लस डी सी का पूरा ए सी लिखूंगा, ठीक है, ए सी इंटू में ये ए डी प्लस डी सी ये भी ए सी हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा ए सी का स्क्वायर, तो हैंस प्रूव हो गया मेरा, ये नीचे इसको ऐसे का ऐसे नीचे उतार देंगे, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर आ गया हमारा ये, ठीक है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये तो लाना था हमें, ये आ गया हमारा। अब गाइस देखो मैंने बोला था मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने ये ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी क्यों लिखा, ठीक है, मैंने इसको उल्टा सीधा क्यों नहीं लिखा कि ट्रायंगल ए बी डी, इसको बी को बीच में और डी को बाद में क्यों नहीं लिखा, या ऐसे क्यों नहीं लिखा ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे क्यों नहीं लिखा मैंने, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ए बी डी ट्रायंगल में, ठीक है, इतनी चीज़ भूल जाओ भी, सिर्फ ए बी डी ट्रायंगल देखना, ठीक है, ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में हमारा ये देखो ये राइट एंगल है, ये वाली चीज़ राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने वाली साइड जो राइट एंगल से टच नहीं कर रही होती वो हाइपोटेन्यूज होती है ए बी, ठीक है, तो ए बी हमारी हाइपोटेन्यूज है छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी थी ए बी सी में, बड़े वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज थी ए सी हमारी ये ए बी सी में, तो ए सी को ए बी के इक्वल लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिखा यहाँ, मैंने राइट साइड सबसे पहले ना ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे सिमिलरिटी में यहाँ पे एक और ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, मैंने कहा ए सी को मुझे ए बी के इक्वल लिखना पड़ेगा, ठीक है, ए सी को ए बी के, अब यहाँ ए सी है तो मैंने ए ए यहाँ लिख दिया और बी यहाँ लिख दिया, बीच में डी लगा दिया, ठीक है, हाइपोटेनस को हाइपोटेनस के इक्वल लिखना है हमेशा, ठीक है। देखो दोबारा बताता हूँ मैं, अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले सबसे पहले मैंने आर एच एस में ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया, ठीक है, बड़े वाला ट्रायंगल सबसे पहले बाद में लिख देते हैं, फिर यहाँ पे सिमिलरिटी का साइन लगाया, फिर मैंने कहा ए सी हमारी हाइपोटेनस है बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, बड़े वाले ए बी सी ट्रायंगल में, तो अब छोटे वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सी होगी, ये राइट ट्रायंगल है ये वाली हाइपोटेनस होगी ए बी, तो ए सी को ए बी के इक्वल लिख दिया, ये ए बी और ये ए सी, ठीक है, बस इस ऐसी करते हैं ए बी, ऐसी मैंने ये किया ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ऐसी सेम इसी तरीके से किया मैंने, ठीक है। अगर आपको ये तरीका समझ आ गया तो आपको ये भी तरीका समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे अगर ट्रायंगल ए बी सी की जगह मैंने लिखा होता कि ए सी बी ये लिखा होता, ठीक है, अब मुझे ए सी की ए सी जो हमारी हाइपोटेन्यूस है उसको ए बी के इक्वल लिखना है,
तो अब कैसे लिखता मैं, ये सिमिलरिटी का साइन लगाता, ए सी के इक्वल ए बी लिखना मुझे, तो यहाँ ए बी लिख देता मैं, ए बी और डी यहाँ पर ट्रायंगल, ठीक है, ए सी के इक्वल मेरा ए बी आ गया, ठीक है, पहले वाले दो के इक्वल, ठीक है, पहला और तीसरा पहले वाले तीसरे के इक्वल, ठीक है, ऊपर, बस मैं ऐसे करता हूँ, कोई इसमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके।